क्या आपने सोचा है कि फ्यूचर कैसा होगा? क्या हो अगर आप एक क्लिक में पूरी किताब लिख पाएं, या कोई कहानी, या आप बना पाएं कमाल के फोटोग्राफ या फिर वीडियो? हैरान मत होइए, ये कमाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का, जो हमारे जीवन में कमाल का बदलाव लाने वाली। इस विचार की शुरुआत 1950 में हुई थी, लेकिन ये टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली बार 1956 में लागू किया गया। उसके बाद जापान ने 1981 में फिफ्थ जनरेशन नामक योजना शुरू करी थी। उसके बाद बाकी लोगों ने भी इस ओर ध्यान दिया था। अगर आसान शब्दों में समझें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कृत्रिम बौद्धिक क्षमता, यानी कि इंसानी दिमाग की नकल करना मशीन द्वारा। आजकल आप इसका प्रभाव हर जगह देख सकते हैं, चाहे सेल्फ ड्राइविंग हो या फिर वर्चुअल असिस्टेंस। जैसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जब आप रास्ते में जा रहे होते हैं तो गूगल मैप आपको अल्टरनेट रास्ता दिखाता है जाम से बचने के लिए। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जाता है। ये हमारी पसंद को भी प्रभावित करते हैं। जब आप ऑनलाइन कोई सामान या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपकी चॉइस के हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले करता है। इसके अलावा सोशल मीडिया या म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप्स भी AI का इस्तेमाल करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता ये कब आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। यही नहीं, हेल्थ केयर में इलाज से लेकर के डायग्नोस तक में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको जान के हैरानी होगी कि मेडिकल इमेजिंग में भी AI के एल्गोरिथम का इस्तेमाल हो रहा है, जो बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पता लगा करके राइट डायग्नोज आपको सजेस्ट करता है। और शिक्षा के क्षेत्र में तो इसने कमाल कर रखा है। ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस, पर्सनलाइज ट्यूटोरियल, ये सब AI का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्टूडेंट की स्पीड को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब अगर बात कस्टमर सपोर्ट की करें तो वर्चुअल असिस्टेंट या स्मार्ट चैट बॉक्स के रूप में आज 24/7 आप कस्टमर को आंसर दे सकते हैं। ये भी AI की बदौलत हो सकता है। बिजनेस में आप AI की मदद से सेल्स का ट्रेंड पता लगा सकते हैं, कस्टमर की चॉइस पता लगा सकते हैं। आपके पास इतना बड़ा डेटा, मतलब जितना बड़ा डेटा आपके पास होगा उतना ही ज़्यादा आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाएंगे फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ को लेकर के। इसके अलावा ऑटोमेशन तो एक और माइलस्टोन है। जो काम बार बार आप कर सकते हैं वो काम आप AI की मदद से ऑटोमेटिंग कर सकते हैं, जिससे कंपनियों का समय बचेगा। जितना बड़ा डेटा होगा उतना ही ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एफिशिएंट होगा हमको ये बताने के लिए कि कब बाढ़ आने वाली है, कब नेचुरल कैलेमिटीज़ आने वाली हैं। इस डेटा के हिसाब से वो बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर पाएगा आपके लिए। क्रिएटिविटी में भी AI की कोई मिसाल नहीं है। चाहे आप संगीत को ले लीजिए, चाहे म्यूजिक क्रिएशन को ले लीजिए, हर जगह AI का इस्तेमाल हो रहा है। इतनी सारी खूबियों के बाद क्या हमें AI से डरना भी चाहिए? क्या कुछ खतरे भी हैं? जैसे एग्जांपल के लिए डेटा सिक्योरिटी का खतरा, या फिर जॉब जाने का खतरा, जिसके बारे में आपने आमतौर पर सुना होगा। ऑक्सफोर्ड के इंस्टीट्यूशन ने इस पर एक डिटेल रिसर्च करी हुई है। रिसर्च का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। उसमें ये बताया गया है कि अकेले अमेरिका में अगले 2 दशकों में कम से कम 1.5 लाख जॉब जो है वो जाने वाली हैं। लेकिन ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, जैसे कि मैंने बताया है कि रिसर्च में उन्होंने ये चीज़ बताई है। एक और संभवतः खतरे के बारे में भी आपने सुना होगा कि क्या हो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम रोबोट में डाल दें और वो रोबोट लोगों को अपना दुश्मन समझने लग जाए। जैसा कि आपने देखा होगा, एक हॉलीवुड की बहुत ही फेमस मूवी है टर्मिनेटर, उसमें यही बताया गया है कि कैसे मशीनें जो होती हैं वो इंसानों पर हावी हो जाती हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ एक कल्पना ही कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि हम सिर्फ वेट एंड वॉच की पोजीशन में हैं। अभी कोई भी 100% कुछ नहीं कह सकते। या आप कह सकते हैं कि हम एक बच्चे की तरह हैं जो चांद पर देख करके ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि चांद की हमसे दूरी कितनी है।